राजधानी भोपाल में पंडित कुंजलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा संसदीय विषय पर प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जहां विद्यार्थियों ने देश प्रदेश राजनीतिक और संसदीय परंपराओं से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। प्रतियोगिता में 17 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कृष्णा गौर ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक कृष्णा गौर ने बताया कि मध्य प्रदेश में अपने आप में एक ऐसा मात्र विद्यापीठ है जो अपनी संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराने का काम कर रहा है, साथ ही साथ नई पीढ़ी को गढ़ने के करने का काम किया जा रहा है। भोपाल ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यापीठ अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। कृष्णा गौर ने कहा कि इस विद्यापीठ का एक अपना भवन होना चाहिए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार सहयोग कर रहे हैं। इस विद्यापीठ के लिए स्थान उपलब्ध हो गया है, वो बहुत ही जल्द भवन निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र संसदीय पीठ है जो सभी के लिए आदर्श का केंद्र बनेगा। Failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. All the best बच्चों, अनुपमा अनुशीना में आमंत्रित करूंगी कि वे प्रतियोगिता को संचालित करें। संसदीय विद्यापीठ 1998 से काम कर रहा है और हम लोग संसदीय विषयों पर ही सारे कार्यक्रम करते हैं। इस संबंध में पहली बार आज विद्यापीठ जो है वो एक संसदीय प्रश्न मंच का आयोजन कर रहा है, जिसमें सिर्फ संसदीय विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारी आज की जो पीढ़ी है वो क्या सिर्फ मोबाइल पर खेलती रहती है, या उसके आसपास जो राजनीतिक घटनाएँ घट रही हैं उनके प्रति भी वो सचेत हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोगों ने ये प्रश्न मंच का आयोजन किया है, जिसमें पहला राउंड हम लोगों ने चयन राउंड किया था, जिसमें करीब 17 विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया था और उसमें से 5 टीमों का चयन किया गया है, जो कि आज आकर के यहाँ विद्यापीठ में उनके साथ 5 राउंड में ये प्रश्न मंच का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्यापीठ के लिए ये एक नया आयाम स्थापित होगा और हम इस तरह के नए नए प्रयोग ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि जिस किसी भी माध्यम से संसदीय पद्धति का प्रचार प्रसार हो, वो सारे माध्यम हम लोग अपना करके अपनी युवा पीढ़ी को सचेत करने का एक गुरुतर दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रतिमा यादव, संचालक पंडित कुंजी लाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ। थैंक यू। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, जो मध्य प्रदेश में अपने आप में एकमात्र ऐसा विद्यापीठ है जो हमारी नई पीढ़ी को अपनी संसदीय परंपराओं लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराने का काम कर रहा है और साथ ही साथ एक ऐसी नई पीढ़ी गढ़ने का काम कर रहा है जो अपने देश के प्रति अपने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों कर्तव्यों का जागरण करे और अपने आप में उन अधिकारों को कर्तव्यों का जागरण करते हुए समाहित करके एक आदर्श नागरिक बने, इस उद्देश्य के साथ यह विद्यापीठ काम कर रहा है, जो लगातार सिर्फ इसी स्थान पर भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने कार्यक्रमों का विस्तार कर चुका है और लगातार चाहे वाद विवाद प्रतियोगिताएँ हों, चाहे निबंध प्रतियोगिता हों, चाहे इस प्रकार के प्रश्न मंच हो, इसके माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को आज इंटर स्कूल क्विज यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे देश से हमारे प्रदेश से जुड़े, हमारे राजनीति के क्षेत्र से, हमारी संसदीय परंपराओं से जुड़े प्रश्नों के बारे में बच्चों से पूछा जा रहा है और बहुत ही रोचक ये कार्यक्रम आज विद्यापीठ के द्वारा यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई देती हूँ पूरे विद्यापीठ को, विद्यापीठ की हमारी संचालक डॉक्टर प्रतिमा यादव जी और उनकी पूरी टीम को, कि उनके द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों का ये परिणाम है कि जिस उद्देश्य से इस विद्यापीठ का गठन किया गया है निश्चित रूप से उस उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है और साथ ही साथ हमारी एक आदर्श नई पीढ़ी गढ़ने का काम भी कर रहा है। आज सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहना चाहिए। इस विद्यापीठ का अपना एक भवन होना चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सहयोग कर रहे हैं। हमें इस विद्यापीठ के लिए स्थान उपलब्ध हो गया है, अब बहुत जल्द वहाँ पर एक बिल्डिंग आकार लेगी। हम चाहते हैं कि एक मध्य प्रदेश का, चूंकि ये एकमात्र संसदीय विद्यापीठ है, तो ऐसा विद्यापीठ बने जो सभी के लिए एक आदर और आदर्श का केंद्र बने, जहाँ शोध हो सके, यहाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिससे वो बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर सके और साथ ही साथ ऐसे ट्रेनिंग लगातार हो जिससे उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संविधान के बारे में मिले, जिस उद्देश्य से यह विद्यापीठ का गठन किया गया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा संसदीय विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में 17 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 5 टीम का चयन किया गया है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।